रिस्क लेके यहाँ तक आते हैं फिर भी ऐसा फ्रॉड होता है तो बहुत बुरा लगता है। जो भी लोग फ्रॉड करते हैं हमारे साथ ही करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। सुबह के बज चुके हैं 10। हम लोग जा रहे हैं जयपुर, क्योंकि एक सब्सक्राइबर भाई है जिनके घर में शादी है, तो उन्होंने ड्रेस का ऑर्डर दिया है कम से कम 20-25 का, तो उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं हम लोग जयपुर। उनको ड्रेस भी दिखा देंगे और उनसे रेट भी फिक्स कर लेंगे। तो अंकिता, मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो आप ब्लॉग के साथ बने रहो, आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो, कैसा है भाई? बढ़िया भाई। दर्शन हो गए श्याम जी की? हाँ, श्याम के दर्शन। इधर हमारे एमी को भी बड़े रेडी करके मस्त कर दिया। मस्त लग रहे बेटा तू, ईद का चांद लग रहा है तू। ईद का चांद देरी से आता है। नहीं नहीं, ये तो ईद का लग रहा है। करवा चौथ का? नहीं, ईद का लग रहा है, करवा चौथ का चांद तू लग रहा है। मेरा चार्ज मैंने रख लिया, मैं जेब में, तेरा वाला रख ले बैग में, जो कपड़े लेके चलना है वो रख ले और निकलते फिर लेट हो जाएंगे। दोस्तों, हम लोग जयपुर पहुँच गए, पता ही नहीं चला कब जयपुर आ गए। क्या में रोड बेज में बैठे और डायरेक्ट रोड बेज से उतरे, अब हमारी यात्रा चालू थी पैदल यात्रा। मैं तो उठ के आ गया, हाथ में एक एक चूड़ी पहन के आया, अभी याद आ रही हाथ ज्यादा चूड़ा पहन के आती रील्स और बनानी है। हाय गरीबी गाइज, ऑटो का भी पैसे नहीं है, पैदल पैदल चल रहे हम लोग, देख लो एमी भी साथ में, जिंदगी झंड फिर भी घमंड, लेके मोबाइल डोलते रहते हैं। गाइज यार, वीडियो देखो यार, पिछाड़ा बढ़ाओ मान, जो मैं भी नई गाड़ी ले रहा हूँ एक, प्लीज ताकि हाथ जोड़ दे, ताकि पका पड़ता डंडो लगा देता यार। भाभी जी घर पे आते, खाना भी मिल गया, हम नाश्ता तो करके आए थे लेकिन भाभी ने आते खाना बना दिया। एमी को दूध फीडिंग हो रही है, इधर शीरा बनाया हुआ था भाभी ने, वो खिला दिया भाभी ने, पराठे बना के ला रहे, थैंक यू भाभी जी। एमी इधर अंगूठा खा रही है, अंकिता को रेडी करने में लगे हुए सब लोग। वाह क्या बात है, क्या लग रही है यार, कर दिया रेडी अंकिता को, रील बना लो, कर दिया पूरा ही चेंज कर दिया अपने अंकिता को। बाय, मैं सो रही थी अभी लेकिन हमने इसको जगा के परेशान कर दिया, पापा के साथ ही फोन देख रही है अपने मामा के साथ। ए वो मोबाइल में देख रही है भाई, अपने मामा के साथ खुश है। दोस्तों, आप देख सकते हो दो दो जनों को लगा रखा है, इधर ड्रेस का प्रमोशन चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, और एक कमेंट भी आ रहा था कि ये जो मंदी लगाती है सूर्य को कपड़े तो पहना दिया करो क्या। तो शॉर्ट्स पहनते हैं, शहरों में शॉर्ट्स ही पहनते हैं ज्यादातर। चलो गाइस, अभी फोटो शूट हो रहा है, इधर अजान हो रही है शायद, इसलिए वीडियो बंद करता हूँ, रील्स बनाता हूँ। तो दोस्तों, अब देखो, अभी ये नई ड्रेस आई है अंकिता के लिए, पहले अलग ड्रेस थी तो उसका भी प्रमोशन कर दिया हमने, अभी इसका भी अलग से कर दिया है। जिसको भी ये ड्रेस मंगवानी है, अंकिता की ड्रेस सर्च करना जाके इंस्टाग्राम पे और मैसेज करना, आपको ये वाली ड्रेस मिलेगी ऑनलाइन। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो कि ऑनलाइन ड्रेस कैसे मिलती है, तो मैं एक चीज फटाफट से समझा देता हूँ आपको। आप लोग जब मैसेज करते हो ना, तो हमारी आईडी पे जाके देख लिया करो कौन सी ड्रेस आपको चाहिए, जो भी ड्रेस आपको पसंद है उसका फोटो हमको भेजो, हम आपसे पैसे कंफर्म करेंगे, नाप कंफर्म करेंगे, उसके बाद में हम लोग आपको होम डिलीवरी करवा देंगे ड्रेस। इसको बोलते हैं ऑनलाइन, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, अगर आप आते हो तो आ सकते हो, अगर आप लोग नहीं आ सकते तो हम लोग कहीं भी आपको राजस्थान आउट ऑफ स्टेट कहीं भी आपको होम डिलीवरी करवा देंगे। तो गाइस, ये ना अंकिता दीदी से मिल रहे हैं, इनको अंकिता दीदी से फोटोज ले लेते, तो फोटोज तो ले लिए। तो गाइस, अंकिता दीदी अभी मतलब अंकिता दीदी ले, मम्मी ने तो दे लिया एमी के साथ। हेमू जी जी करो, क्या हुआ, आ गई मंदिर से बाहर? बाय बाय करो पापा से, जी जी करो, वो देखती रह गई, वो तो फिर बाद में करेगी जब समझदार होगी तब। गाइस, अंकिता बालाजी जाके आ गई और ड्रेस भी चेंज कर लिया अंकिता ने, और देखो हमारी एमी, देखो आप एक बार एमी, ओ एमी गाइस, टोपा देखो, टोपा क्या लग रही है यार, मामी मामी को देख रही है तो एमी, ये क्या लग रही है मेरी छेरी, उर्फी भी आ गई क्या? मेरा एक काम अधूरा है बेटा, अगर वो कर देगी ना तो मैं तेरी बेइज्जती नहीं करूंगा, समझ गई प्यारी। और आज तो गाइज हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया साला, वो फ्रॉड के बारे में बताएंगे, पहले खाना खा लेते, नहीं तो खाना नहीं बनेगा आज पूरे दिन से। तो भाभी के घर कैसे आते फिर अगर फ्रॉड नहीं होता तो? ये बात भी सही है, हाँ ये तो चाहते ही है ये भाभी तो, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रही है, हमारे घर पे आ जाए। सही है, और क्या, सुबह से हम तो खुशी के बारे, अंकिता आईफोन भी फिक्स कर ली थी कि मैं तो आईफोन लाने वाली हूँ, मैं कहा नहीं यार, कुछ और भी किया था मैंने, पता ही नहीं क्या, याद ही नहीं आ रहा है। एमी बेटा देख ले क्या हो रहा है घर में, एमी भी सोच विचार में पड़ी है कि हो क्या गया, और मुख्यमंत्री भी आज भजन लाल शर्मा को बना दिया ना, तो ये भी सरप्राइज है कि यार हो क्या गया है, उधर सब बात कर रहे पूरा सब्जी वाला सब, ये क्या हो गया, नया चेहरा कैसे आ गया, ये नया चेहरा सरप्राइज है, मोदी जी का काम है नया, सब्सक्राइबर मिल गया हमको दो जगह पर,
कहाँ पे? एक तो मंदिर में और एक सब्जी मंडी में। तो जानते थे क्या अंकिता को? अंकिता तो भाई साहब यूपी का मुख्यमंत्री हो रहा है कहते योगीनाथ। उनके घर पे लेके जा रहे थे, फिर मैंने बोला घर पे नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर उधर है, उनसे परमिशन लेके फिर आएंगे। अच्छा अच्छा, तो श्रीमान मस्तराम जी से बात करवा देते। तो दोस्तों ये छोरी आप देख रहे थे पहले, ये कितने का है रे? ये चड्डा कितने का है? 450 450 का। हमारी बात सुन, पुराना पेंट पड़े मनमान उन्होंने काट काट लिया। नहीं अपन कुछ नहीं बोल सकते है ना। नहीं आप कपड़े जो पहनते हो ना चिनू जी बहुत अच्छे है, लेकिन जो आप 450 रुपए लगवा रहे हो ना वो गलत बात है। उर्फी जावेद की तरह कट्टे बोरी ऐसे लिया करो। भाभी जी देखी रो रहे थे काय खड़े सो के तक क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग भाभी से। भाभी फीलिंग में खाएगा उसे? फीलिंग नहीं हिंदी में खाएगा उसे? आगे नहीं हिंदी में खाएगा उसे ना? फीलिंग को मतलब वो कहीं से कौन जाने भाई साहब की फीलिंग समझ बुक रहे थे। मेरी समझ तो नहीं तो वहाँ की बात ना समझ बो फीलिंग क्या हो जो मतलब वो काई बोल उछे रहते उन समझ बो काई खोलो खोलो बोल दो खोलो गाय जी अकाउंट हमारा ड्रेस वाला है और इस पे देखो मैसेज कौन करते हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड। अच्छा आगे आप भी फोन में बोल के भेजूंगा फिर। देख कितने प्यारे प्यारे प्यार करने वाले अपने को। हाँ बात करो उससे, उसको बोल के बस थैंक यू दीदी और मैं बोल के भेज रही हूँ। दोस्तों हम लोग जयपुर आए हुए हैं यार, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जो भी लोग फ्रॉड करते हैं हमारे साथ ही करते हैं। मैं मेरी बच्ची को मेरी वाइफ को मैं दोनों दुख पाते पाते जयपुर आए और हमारे साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ। अगर सोचो अगर हमारे पास भाभी जी का घर नहीं होता तो आज हमको कितने धक्के लगते। मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ, हमने एक नया काम चालू किया है अंकिता की ड्रेस। इस आईडी पे कल से एक अंकल जी का या भैया कौन है पता नहीं उसका फोन आ रहा था, उसकी फैमिली के सामने उसने फोन पे बात भी करी तो बोलता है कि यार हमारे साथ दिए तो 8-10 ड्रेसों का ऑर्डर देना है और कोटी वगैरह बनाते हैं उसका भी ऑर्डर देना है। मैं कहा ठीक है भैया। हमने बोला कौन सी पसंद है आपको बता दो कि यार भैया हम आपकी ड्रेस आके देखना चाहते हैं कि कपड़ा कैसा है। मैं कहा ठीक है मैं चांदपुर आ जाता हूँ आप भी आ जाओ। भाई कितने बजे तक आओगे? भाई 11 बजे तक। मैंने भाभी जी को फोन करके बोल दिया कि अपने ड्रेस का कुछ ज्यादा ऑर्डर आ रहा है कम से कम 15-20 तो हम लोग जयपुर आ रहे हैं। मैंने उस भैया को 3-4 बार बोला था कि भैया अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो ही मैं आता हूँ, नहीं तो मेरी बेटी है छोटी सी उसके धक्के लगेंगे क्योंकि हम यार वहाँ पे सर्दी में कहाँ धक्के खाते फिरेंगे सुबह सुबह है ना। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं यार मस्तराम जी क्यों टेंशन कर रहे हो आप, तो हम तो आपकी वीडियो देखते हैं। ठीक है हम जयपुर आ गए यहाँ पे 11 बजे आ गए तो तब से फोन करते हैं। तो बोलते हैं 1 बजे आता हूँ, 1 बजे फोन किया, 3 बजे आता हूँ, 3 बजे किया, 5 बजे आता हूँ, उसके बाद फोन उठाना बंद। शाम हो गई फिर उसके बाद मैसेज आता है भाई साहब मेरा नहीं आना होगा, मेरे को जब ड्रेस लेनी होगी मैं कॉल कर दूंगा। अब क्या बताऊँ, सांगानेर का बन रहा था वो, उसके नंबर भी मैं डाल सकता हूँ। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, आप उसको फोन भी करोगे, लड़ाई भी होगी, सब हो जाएगी ना, वो तो मैं भी कर लूंगा खुद भी है ना, पर अच्छा नहीं लगता तो मैं उसके नंबर भी नहीं डालूंगा ना। नाम तो मुझे भी नहीं पता, सांगानेर का था वो। तो ऐसे मतलब ऐसे किसी के साथ भी मत करो। हम लोग कोई करोड़पति नहीं है ना करोड़पति बनना चाह रहे हैं ना, हम मेहनत करते हैं इस कपड़े में, कपड़े का काम किया है जिसमें इतनी मेहनत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लेकिन हम हर काम में बहुत मेहनत करते हैं, तो उसको दिल से लो, हम सेवा कर रहे हैं आप लोगों की ये मान लो आप। हम एक ड्रेस पे कुछ भी नहीं कमा रहे। बहुत लोग 2000 की ड्रेस को 5000 में बेचते हैं लेकिन हम 2000 की ड्रेस को 2200 में बेचते हैं, 200 रुपये कमाते हैं। और 200 रुपये कमाए की मेहनत मैं आपको बता देता हूँ, आपसे माथापोड़ी करना पड़ता है 100 घंटे तक, कौन सी ड्रेस चाहिए, ये अच्छी नहीं है, इसका पैसा इतना कम करो, फोन आते हैं 100 बार बात करनी पड़ती है, उसके बाद में आप लोग डिसाइड करते हो ये वाली ड्रेस लेनी है। उसके बाद हम लोग जयपुर आते हैं, भाभी जी को लेते हैं, फिर हम लोग ऑटो करके जयपुर से ड्रेस खरीदते हैं, फिर आते हैं, फिर ड्रेस सिलते हैं है ना, उनकी वीडियो बना के डालते हैं कि ये ड्रेस है ऐसी है वैसी है, 100-100 प्रमोशन करने पड़ते हैं, 100-100 बार माथापोड़ी करनी पड़ती है, ढूंढ ढूंढ के नंबर निकालने पड़ते हैं आप लोगों के, हमारे नंबर देते हैं तो सारे दिन फोन आते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऐसा मत करो, हम लोग कुछ नहीं कमा रहे आप लोगों से ना, हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं खाली। कपड़ा आता है बहुत महंगा, हम हमारे रिस्क पे कपड़ा लेके आते हैं, 1 मीटर कपड़े सिलने की 100 रुपए लेते हैं हम, 600-600 500-500 रुपए हम कपड़े सिलवाते, उसके बावजूद भी आप लोग
ऐसे करते हो हमारे साथ। मैंने इसलिए जॉब चालू किया था, मैं कहा यार यूट्यूब पे मुझसे बहुत प्यार करते हैं सभी लोग, तो उनके उनके साथ कोई भी फ्रॉड करे, जैसे आप लोग और से भी ड्रेस खरीदते होंगे ना, तो वो आपके साथ हो सकता है फ्रॉड कर दे, कोई अनजान से आप ड्रेस खरीद लो, तो ऐसे बहुत होते हैं। तो इसलिए हमने ये धंधा चालू किया, मैं अपने पर विश्वास करते लोग, अपन कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगे, जो भी चीज होगी ओरिजिनल टाइप की देंगे, सब कुछ सही होगा। तो हम विश्वास के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ ही गलत कर रहे हो यार। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, मेरे नाम से बहुत फर्जी आइडिया है अंकिता के नाम से, और रोज कोई क्या पोस्ट करता है कि होम डिलीवरी का जॉब दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारी ओरिजिनल आईडी और ओरिजिनल आईडी पे आपसे कॉल पे बात नहीं हो तब तक आप किसी को पैसे वैसे किसी की पोस्ट पे कोई विश्वास नहीं करना, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ ये सब चीजें, हमारी फर्जी आईडियों पे विश्वास ना करें। हमारे आईडी पे हमारे से चैट होने के बाद में हमारे से बात कर लो कि दीदी हम आपसे बात करेंगे तो ही ड्रेस लेंगे, तो एक बार आप बात कर लो। और अगर बिजनेस अकाउंट पे फोन करते हो तो बिजनेस संबंधित ही बात करो, अगर बड़े अकाउंट पे हम आपका कॉल उठाते हैं तो आप फैंस हो हमारे, हम आपका सबकी कदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, और आपसे ही हम है, और हमसे आप नहीं है लेकिन आपसे हम है। तो आई रिक्वेस्टेड प्लीज ऐसा मत करो हमारे साथ कि ऐसे मेरे छोटे छोटे बच्चों को बुला लो कि भाई जयपुर ड्रेस दिखाने आ जाओ, ये करो करो, फिर हमको मिलो ही नहीं। क्योंकि अगर सोचो भाभी जी वाला घर नहीं होता हमारे यहाँ पे, रिश्तेदार ना हो तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी सर्दी के अंदर, मैं तो कुछ पहन के भी नहीं आया था। तो ये बात है गाइस, तो मैं आपको भी बता दिया, और ये बात थी, मैं मेरे दुख की बातें भी शेयर करता हूँ तो हंसी खुशी की बातें भी आपसे शेयर करता हूँ। तो जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। छोटी सी बच्ची, इसको ले लेके घूमना पड़ता है, सर्दी जुकाम डर लगता है, बच्ची कहीं बीमार हो जाए लेकिन फिर भी रिस्क लेके यहाँ तक आते हैं, फिर भी ऐसा फ्रॉड होता है तो बहुत बुरा लगता है। कोई भी ऐसा किसी के भी साथ ना करे। हम आजकल तो ज्यादा भी नहीं तो 10 दिन में 5 दिन तो भाभी जी के घर पे रुक रहे हैं, ड्रेस नहीं लिया उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसका दुख नहीं। हम ड्रेस सिर्फ सेवा करने के लिए बेच रहे हैं, हमको पैसे खूब कमा रहे हैं हम, भगवान हमको खूब दे रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हमको खूब दे रहा है, आप लोग बहुत प्यार करते हो खूब कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेस से हमको कोई ज्यादा कमाना नहीं है, ये तो एक सेवा करना है कि बस हम कर रहे हैं, बस बिजनेस है हमारा, कुछ भी समझो बिजनेस खोल रहे हैं हम, यूट्यूब बिजनेस नहीं है, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है कभी भी कुछ हो जाए, तो हम हमारा एक बिजनेस डाल रहे हैं बाकी कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जिनको भी ड्रेस खरीदने प्लीज खरीदनी है तो ही मैसेज करें, प्लीज परेशान करने के लिए ना करें, है ना, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे को पालना होता है, खाना बनाना होता है, रील्स बनानी होती है, यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना होता है, मेहमान भी आते हैं, इसलिए। तो अभी भाभी जी खा रही है खाना, खाना खत्म हो गया, भाभी जी थाली में से ककड़ी खा रही है, भैया को सबको बहुत सारा प्यार, इनकी वजह से हम यहाँ पे रुक जाते हैं। टाटा, गुड नाइट।